Hello people of the internet, welcome back to my channel. My name is Tumpa and मैंने सोचा बहुत दिन से कोई मेकअप वीडियो मैंने शेयर नहीं की है. So here I am. This is a very easy, simple daytime makeup with nude smoky eyes. And आप ये वाला मेकअप किसी भी सिंपल डे टाइम ओकेजन के लिए, छोटे मोटे ओकेजन्स के लिए कर सकते हैं. मैंने ऑलरेडी अपना फेस मॉइस्चराइज कर लिया है और ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ नेचुरल डे लाइट में. और सबसे पहले मैंने लिया है शैम्बोर का फाउंडेशन विच इज़ ओरोसा स्किन फ्यूजन फाउंडेशन. इसमें ऑलरेडी सिरम भी मिक्सड होता है तो ये काफ़ी अच्छा है फॉर पीपल हु हैव ड्राई स्किन एंड यू नो नॉर्मल टू ड्राई स्किन. तो अलग से कोई सिरम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. और उसमें मैंने मिक्स किया है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर जो कि थोड़ा सा शाइनी एंड यू नो ग्लो देता है. तो दोनों को मिक्स करके ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. मैंने इस वीडियो में कोई भी कंसीलर यूज़ नहीं किया है. मैं कंसीलर वैसे भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ बट हाँ अगर मुझे लगता है तो हल्का सा आईज़ के नीचे मैं फाउंडेशन का ही एक और लेयर लगा लेती हूँ और फिर मैं उसे ब्लेंड कर लेती हूँ. नाउ दैट माई फाउंडेशन इज़ डन, फाउंडेशन को सेट करने के लिए लूज़ पाउडर लिया है मैंने फोकल लेयर का. और आज मैंने इस वीडियो में मोस्टली फोकल लेयर के प्रोडक्ट्स ही यूज़ किए हैं और ये है इन द शेड नंबर 3. और इन सारी प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ यूरोप गर्ल का आईब्रो किट और ये वन ऑफ माई फेवरेट आईब्रो किट है. तो इसमें पहले मैं हल्का हल्का आईब्रोज़ ब्लैक और ब्राउन मिक्स करके लगा लेती हूँ और फिर स्पूली से उसे ब्रश आउट कर देती हूँ. फिर मैंने लिया है फोका लेयर का कंटूर किट और ये है इन द शेड नंबर 1. थोड़ा सा अपने चीक बोन्स के नीचे और हल्का सा नोज पे यूज़ किया. एंड कंटूरिंग मैं मोस्टली नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ बट हाँ अगर करती हूँ तो सबसे ज़्यादा जो मुझे ज़रूरत होती है वो है फोरहेड पे, क्योंकि फोरहेड मेरा बड़ा है. तो आप जब कंटूरिंग करते हो तो आप बेसिकली शेडोज़ ऐड करते हो अपने फेस पे टू मेक अ यू नो प्लेस लुक मोर चिजल्ड एंड शार्प. और जो थोड़ा बहुत बचा कुचा होता है वो मैं अपने जॉ लाइन पर लगा लेती हूँ. देन आई एम यूजिंग फोका लेयर ब्लश और ये है शेड BO7 टिप्सी. बहुत ही प्यारा सा पिंक पीची शेड है. लाइक यू कैन सी आई यूज इट ऑन माई चीक्स एंड थोड़ा सा नोज पे और बहुत ही प्यारा सा नेचुरल कलर देता है ये. एंड इट इज़ रियली गुड फॉर मीडियम टू डस्की स्किन टोन. देन मैंने फोका लेयर का ही हाईलाइटर जो कॉन्ट्योर के साथ है वही वाला हाईलाइटर यूज़ किया है. ये भी काफ़ी अच्छा हाईलाइटर है बट मुझे इसका कॉन्ट्योर शेड ज़्यादा पसंद है. इसमें थोड़ा सा येल्लो टोन है एंड या तो मैं हाईलाइटर अपने चीक बोन्स पे, थोड़ा सा नोज पे, क्यूपिड्स बो पे, चिन पे लगाती हूँ. कुछ लोग हाईलाइटर फोरहेड पे भी लगाते हैं लेकिन मैं उतना नहीं लगाती, बहुत ही हल्का सा जो ब्रश में बच जाता है. बिकॉज जो आपके फाइन लाइंस होते हैं वो ज़्यादा दिखते हैं अगर आप ज़्यादा हाईलाइटर लगा लो फोरहेड पे. अब मैं यूज़ कर रही हूँ ट्वेलाइट लिमिटेड एडिशन 18 शेड्स फोका लेयर का और ये बहुत ही सुंदर पैलेट है और इसके जो शिमर शेड्स हैं वो तो और भी सुंदर है. तो जो ये हल्का वाला टैंजरीन शेड है पहले मैंने वो पूरे आईलेट पे लगा लिया और फिर साइड में थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देने के लिए मैं जो टिरामिसु शेड है, जो थोड़ा सा ब्राउनिश शेड है, उसको मैंने आउटर कॉर्नर्स पे लगाया है हल्का सा टू गिव स्मोकी लुक. और उसी को जो ब्राउन शेड है टिरामिसु उसको मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी लगा रही हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एनी काजल क्योंकि ये डे टाइम मेकअप है तो मुझे बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप नहीं करना था. तो सिर्फ ब्लैक इंस्टा लाइनर लैक्मे का मैं वो लगाने वाली हूँ, कोई काजल नहीं लगाऊंगी इस वीडियो में मैं. एंड बहुत ही सिंपल सा छोटा सा विंग ड्रॉ किया है मैंने, बहुत ज़्यादा बड़ा विंग नहीं है. और देन आई एम यूजिंग शैम्बोर का मस्कारा और ये मस्कारा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. इनफैक्ट मैं काफ़ी सालों से यही वाला बार बार लेती हूँ, शैम्बोर इनफाइनाइट लैश लेंथनिंग मस्कारा. इनका एक ही मस्कारा आता है आई थिंक और इनके मस्कारा ये ड्राई नहीं होते, सो आई रियली रियली लाइक इट. और फिर मैंने लास्ट में यूज़ किया है फोका लेयर का लिपस्टिक एंड दिस इज़ वेलवेट मैट. तो ये बहुत ज़्यादा सुपर ड्राई मैट नहीं है, थोड़ा सा सेमी मैट है और बहुत ही अच्छा सा पीची पिंक शेड है. एंड इसका नाम है ओल्ड रोज़ V04 और मुझे इन सारी प्रोडक्ट्स के अगर लिंक मिलेंगे तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी. एंड दैट्स इट,
and I'm ready. और ये मेरा इजी पीजी मेकअप था. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई. लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप और कैसे वीडियोज़ देखना चाहेंगे मेकअप से रिलेटेड या स्किन केयर हेयर केयर, तो बताना ज़रूर. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए. एंड सी मी इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.